सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं दसम वर्ग के छात्रों को स्पर्श भाग दो गद्य खंड पाठ 3 ततारा वामीरो कथा का प्रश्नोत्तर अभ्यास करा रहा हूँ। बच्चों, ततारा वामीरो पाठ में ततारा वामीरो कहाँ की कथा है पहला प्रश्न उठता है। ततारा वामीरो देश के दो समुद्री द्वीप समूह अंडमान और निकोबार की कथा है। दूसरा क्वेश्चन है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई। वामीरो ततारा को देखकर घबराहट में अपना गाना भूल गई। ततारा वामीरो ने ततारा ने वामीरो से क्या याचना की थी, क्या मांग की थी। उत्तर है, ततारा ने वामीरो से अपना सुरीला गति गाते रहने के लिए याचना की थी। ततारा ने वामीरो से अपना सुरीला गीत गाते रहने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है, ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी, क्या परंपराएं थी। ततारा और वामीरो के गांव की रीति के अनुसार विवाह करने वाले युवक युवती एक ही गांव को के होनी चाहिए, ये परंपराएं थी। दूसरे गांव के युवक युवतियों के साथ विवाह परंपरा विवाह संबंध स्थापित नहीं किए जाते थे। क्रोध में ततारा ने क्या किया। उत्तर है, क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार से धरती को चीरने लगा। ततारा की तलवार के बारे में लोगों के क्या मत थे। ततारा की तलवार के विषय में लोगों का मत यह था कि लकड़ी की बनी हुई होने के बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा के साहसिक कारनामों के कारण लोग बार बार तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। उसकी तलवार लोगों के लिए एक विलक्षण एक अद्भुत रहस्य थी। वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। वामीरो ने ततारा को के नाम पूछने पर झुंझलाकर अपना नाम बताया और फिर मिलने के लिए कहने पर अनमनस्कता पूर्वक बेमन से कहा, शायद नहीं। ततारा वामीरो के त्यागमयी मूर्ति से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। ततारा वामीरो की मृत्यु के बाद निकोबार के लोगों की वैवाहिक मान्यता में परिवर्तन आया और वे अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। ततारा के नेक और मददगार स्वभाव के कारण और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहने के कारण तथा अपने गांव ही नहीं बल्कि मुसीबत के घड़ी में समस्त द्वीपवासियों की सहायता करने के कारण निकोबारी ततारा को बेहद पसंद करते थे। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में लोगों का यह विश्वास है कि ततारा की तलवार में से कार निकोबार के दो टुकड़े हुए। कार निकोबार का दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान है जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार के विभक्त होने का कारण ततारा वामीरो की प्रेम कथा है। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। बच्चों, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद एक दिन समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया। उस समय सूर्य समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें धीरे धीरे क्षीण होने लगी थी। इस प्रकार समुद्र तट का सौंदर्य आकर्षक और मनभावन था। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। वामीरो से मिलने के बाद ततारा मन ही मन वामीरो को चाहने लगा।
उसका गायन सुनकर वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा। वह हमेशा बामीरों को देखना चाहता था। उसके जीवन में रोमांच का उदय हुआ। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। पशु पर्व में हृष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति की परीक्षा लेने की परंपराएं थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग इसमें हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य गीत संगीत आदि का आयोजन किया जाता था और भोजन का भी कार्यक्रम होता था। रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों स्पष्ट करें। बच्चों, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तो उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्योंकि रूढ़ियों के न टूटने से जीवन रुक जाता है, जैसे प्रस्तुत कहानी ततारा बामीरो में हुआ। ततारा बामीरो की प्रेम कथा पुरानी रूढ़ियों के कारण ही अंत में मृत्यु कथा में बदल गई। अतः जो रूढ़ियां जीवन के प्रवाह में बाधक बने, विकास में बाधक बने, उनका टूट जाना ही श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। निम्नलिखित गद्यांश का आशय स्पष्ट करें। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। प्रस्तुत पंक्तियों में ततारा को बामीरों के प्राप्त न होने पर उसके क्रोध का वर्णन किया गया है। जब गांव के लोगों ने ततारा और बामीरों के प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया, इनकार कर दिया, तब बामीरों को न पा सकने के कारण ततारा ने अपने मन के क्रोध को शांत करने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति से कमर पर बंधी तलवार को धरती में घोप कर अपनी ताकत से धरती को दो टुकड़ों में बांट दिया। वही टुकड़े आज कार निकोबार तथा लिटिल अंडमान है। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह में पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। इसका आशय है कि ततारा समुद्र की सतह की ओर फिसलता जा रहा था, किंतु अंतिम समय तक उसने मन में बामीरों को पाने की आस थी, इसलिए वह बामीरों बामीरों पुकार रहा था, किंतु उसके शरीर के साथ साथ अंत में उसके मन की आशा भी समुद्र में ही डूब गई। पता नहीं ततारा कहाँ गया। बच्चों, आज मैंने आप लोगों को ततारा बामीरो कथा का प्रश्नोत्तर समझाया। आप इसे याद करेंगे क्योंकि इसी महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और इसके साथ साथ पद वाक्य संशोधन, वाक्य रचना, समास तथा मुहावरे भी याद करेंगे। धन्यवाद।